वीरभूमि हमीरपुर जिला से वन रैंक वन पेंशन की पेंशन विसंगतियों के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर सोमवार को वन रैंक वन पेंशन के पेंशन टेबल की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर धरना दिया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा पेंशन टेबल जारी किया गया है। पूर्व सैनिकों का दावा है कि इस पेंशन टेबल में वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से नायब सूबेदार से लेकर आनरेरी कैप्टन तक पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी के बजाय कटौती कर दी गई है। इस सिलसिले में शनिवार को जिला मुख्यालय हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने एकत्र होकर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के बैनर तले ही सोमवार को जिला मुख्यालय हमीरपुर में सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया है। कमेटी के जिला हमीरपुर के चेयरमैन कैप्टन सुरेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया है। गांधी चौक पर प्रदर्शन के बाद पूर्व सैनिक शहीद मृदुल शर्मा के स्मारक पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कमेटी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा गया। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।